दोस्तों फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला बेहतरीन मुकाबला कौन दूंगा, एक तरफ लखाव टीम और दूसरी तरफ फतेहपुर की टीम, टॉस होता हुआ दोनों टीमें, गौरव आकाश है फतेहपुर के कैप्टन, टॉस करवाते हुए गौरव जो है और लखाव टीम के कैप्टन है, कॉर्नर के रूप में जाने जाते हैं, टॉस जीता है चपरौली में तीन दिन पहले बागपत की एक तरह से फतेहपुर में पहली रेड रहेगी वहां पर बहुत ही बढ़िया काम किया था। मुकाबला स्टार्ट हो चला है दोस्तों, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, जबरदस्त मुकाबला, एक तरफ है लखावड़ी की टीम दूसरी तरफ है फतेहपुर की टीम, 15-2 गेम स्टार्ट होता हुआ, पहली रेड रॉबिन भूतकड़ी लखावड़ी की तरफ से, रॉबिन जो अपनी लंबाई से ज्यादातर पॉइंट लेके जाते हैं और मौके का फायदा उठाने में कामयाब रहते हैं, और मेरी जो भविष्यवाणी थी पहले ही उसे इन्होंने पहले इम्तिहान में पास करके दिखा दिया और मेरी भविष्यवाणी को भी सच कर दिया। फिर शांत फतेहपुर बेहतरीन खिलाड़ी भाई, जबरदस्त प्रदर्शन रहता है लगातार इस खिलाड़ी का, कहीं राम सिंह कहीं शेर खान कहते हैं, दो है जिस्म मगर एक जान कहते हैं, ये जो मिलजुल के हम लोग यहाँ बैठे हैं इसी को हम सब हिंदुस्तान कहते हैं। रॉबिन लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते रहते हैं और वही प्रदर्शन यहाँ दोहराते हुए, खाता खुलता हुआ, एक पॉइंट आउट चला है लखावड़ी का स्कोर और एक और पॉइंट यहाँ पर, अगेन एंड अगेन फर्स्ट टू पॉइंट्स टेकन बाय, दो पॉइंट स्कोर होता हुआ फतेहपुर, ये गलतियां है गौरव लखावटी खिंच रहा था, अक्सर एक दो कॉर्नर की शॉट बढ़िया है, स्कोर बराबर, दोनों बराबर की टीमें हैं, बात ही पता था दोनों टीमों की, बात शेर और मेमने की लड़ाई थी, ये दोनों शेरों के बीच लड़ाई है, तीन दो स्कोर भाई, पॉइंट ले जाने में सफल हो गए, पहले लगातार दो पॉइंट बनाए थे लखावड़ी ने लेकिन अब तीन पॉइंट लगातार फतेहपुर ने, तीन दो फतेहपुर तीन और लखावड़ी दो, लखावड़ी का पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहुत बढ़िया वर्चस्व कायम है और इन्हें लोग जानते हैं, और ये कोच का इनके साथ और इनका कोच के साथ बढ़िया मिश्रण होने की वजह से लखावटी ये टीम कबड्डी के क्षेत्र में बहुत दूर तक जानी जाती है और लखावटी को कबड्डी की वजह से लोग बड़ी दूर तक जानते हैं, एक और पॉइंट बेहतरीन, लखावटी कहाँ है तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि ये जिला बुलंदशहर में है, तो बुलंदशहर का गौरव भी बढ़ता है, इससे सम्मान बढ़ता है, चंद्रेश आए हैं रेड में, चंद्रेश बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी फतेहपुर के डिफेंस की, लगाने की कोशिश की थी, ये कांटे की टक्कर का मैच होगा, अभी तो शुरुआत है, 15-2 का ये मुकाबला अभी तो आगाज हुआ है, अभी एग्जाम का इंतजार करें, नजदीक पहुंच गए थे, चार दो स्कोर है और दो पॉइंट की लीड फतेहपुर के, 50% की बढ़त फतेहपुर के पास, और डू एंड आई दिस एज करो अमरो, सिंगल पॉइंट गेम है ये, लोन लगेगा नहीं किसी को और सात से कम कोई खिलाड़ी के होगा नहीं, लेकिन डू एंड आई जरूर मिलेगी देखने को, बोनस भी मिलेगा, बहुत ही बढ़िया, यहाँ की जीत शीर्ष पर पहुंचा देगी, टूर्नामेंट का जो टॉप होता है शिखर होता है वो फाइनल है, एक और पॉइंट बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, और इसके साथ तीसरा पॉइंट बहुत प्रतीक्षित था, जो मार्जिन है तीसरा पॉइंट लीड का वो कम होता है, बना लिया रेडर की बहादुरी से और चार पर है फतेहपुर की टीम उत्तर दिशा में, बोनस का प्रयास है, क्या मिलेगा बोनस,
बहुत ही बढ़िया भाई रॉबिन 10 नंबर जर्सी में एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अब तक के रेडर है। इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहता है एज ए रेडर और इनकी लंबाई इन्हें फायदा दिलवाती है। कुछ इनकी जो एक्टिविटी है जो इनकी अलर्टनेस है देखो मिले एक और पॉइंट आया काट हो गया है टच और इम्पॉसिबल और धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो मार्जिन था वो कम हो चला है। स्कोर हो गया है बराबर 4-4 स्कोर बराबर और असंभव को सच संभव करने में सक्षम है। बहुत बढ़िया उसी के है गौरव का कमाल बेहतरीन भाई जबरदस्त दौरा 11 नंबर जर्सी में चीन की दीवार की तरह सामने आ गए। बाकी बचा काम साथियों ने कर दिया। पहले लगातार 2 पॉइंट बनाए थे लखावटी ने फतेहपुर उसके बाद 4 पॉइंट लगातार लखावटी और 4 क्या बात है बिल्कुल सेंटर लाइन चले गए जैसा अब ना ये उन्हें अंदाज कह सकते ना वो उन्हें काना कह सकते अब दोनों का स्कोर बराबर है। आज जरूर पहुंचा था मिड लाइन तक लेकिन उसके ऊपर से घूम के आ गया भाई एक पॉइंट और स्कोर 5-5 बराबर बेहतरीन मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल का ये जो इसमें से जीतेगी टीम वो मेवाड़ आर्मी से खेलेगी कोंदू वंचावली बुलंदशहर बेहतरीन पकड़। इन्हें पता था कि लखावटी के डिफेंडर से निकलना नामुमकिन है तो इन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए थे। 6-5, 6-5 क्या पल्टी लगेगी बिल्कुल पल्टी लगी है 6-4 स्कोर 6-5 ओ सॉरी 7-5 स्कोर है। बारह नंबर खिलाड़ी भाई बेहतरीन खिलाड़ी है बात की जाए तो फतेहपुर की तरफ से ये मेवाड़ आर्मी की टीम शिखर पर पहुंच गई और एक इसमें से पहुंचेगी। 5-7 मिनट का समय देना पड़ेगा दूसरे सेमीफाइनल में विजेता टीम को उसके बीच में जो औपचारिकताएं करनी है कमेटी के सदस्यों को वो कर ले जल्दी जल्दी। क्योंकि उसके बाद फिर एक और आखिरी लड़ाई लड़नी होती है। पैर निकला बहुत बढ़िया उसी के साथ पैर आ गया था और आगे का पंजा पूरा का पूरा क्रॉस हो गया था। सच को झूठ में बदलने से टच का सच झूठ नहीं हो सकता कभी भी। हाँ टच होती है बोनस प्लस वन चोट लगी है। मुकाबला है दोस्तों और स्कोर की बात लखावटी की तरफ से जो रॉबिन बैट कर रहे हैं लखावटी की तरफ से उनके लिए हमारे इंस्पेक्टर साहब मनोज कुमार जी 500 रुपए देते हैं बिल्कुल भाई और आपकी बौछार कोदू प्रधान जी सच्चू भाई कोदू प्रधान जी 500 रुपए देते हैं कुल मिलाकर के भाई के लिए रॉबिन के लिए 1000 रुपए देते हैं। तालियां बजाइए टाइम आउट लिया है और एक खिलाड़ी को चेंज किया है। स्कोर अभी भी 7-8 अर्जुन का बेहतरीन पकड़ एक और नीचे से डुबकी लगाने में किसी हद तक सफल हो गया लेकिन 3 नंबर प्लेयर का जो 70% कंट्रीब्यूशन है अपनी टीम के लिए योगदान है वो कामयाब हो गया। लखावटी को एक बेशकीमती अंक मिला 9-7 है स्कोर 9 लखावटी और 7 फतेहपुर। 2 पॉइंट की लखावटी के पास मार्जिन है और इन्होंने रनिंग टच किया है मेरे ख्याल से नहीं किया एम्पीरियड अच्छा वैसे इंग्लिश रॉबिन मैच के बाद से हमसे अपना पुरस्कार ले लेना रॉबिन जी
एक और पॉइंट दो अढ़ाई रेड है ये 8-9 स्कोर दो अढ़ाई रेड और रोबिन को ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। और बहुत ही बढ़िया फसल जल्दी पकने लगी अपनी आबो हवा के साथ ऐसा सीजन आ गया। छोटे छोटे बच्चे भी अब हो गए बालिग जब से घर में टेलीविजन आ गया। बहुत अच्छा स्कोर हो चला है बराबर। रेडर को टैकल कर लिया और फतेहपुर को एक पॉइंट मिला। पब्लिक के पास कुछ नहीं बचता, दर्शकों के पास केवल देखना और आनंद बचता है। मैं एक बार तालियां तो बजा दो, कितनी अच्छा मैच हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा मैच चल रहा है, टूर्नामेंट का ग्रीन मैच है, नंबर वन का मैच है ये। दोनों बराबर है भाई, स्कोर दोनों बराबर है और शेर और शेर की दहाड़ हो रही है। देखिए लोहे से लोहा कट रहा है, कितना अच्छा मैच हो रहा है। स्कोर अभी बराबर, बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, ग्यारह मिनट के आसपास का समय पूरा हुआ है। दसवां पॉइंट किसका बनेगा, जिसका बनेगा दसवां बनेगा। और इसी के साथ यहाँ पर फतेहपुर की टीम ने दसवां अंक बना लिया, पर अभी दूसरा हाफ पूरा का पूरा पड़ा है। फतेहपुर बार दिया है ये मैच गिर दो गेम एक और फिर स्टार्ट होता हुआ एक पॉइंट की लीड में अभी भी। जी भाई यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, डू नॉट डिस्टर्ब, डूब के लगाकर निकलने की पहले कोशिश, लेकिन यहाँ पर मौका खो दिया और एक पॉइंट और मिला। डबल डिजिट से आगे पहुंचते हुए 11 अंक बना लिए, जबकि 9 पर है लखावटी की टीम दक्षिण दिशा में। दो पॉइंट की लीड जरूर है, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, जबरदस्त प्रेशर दोनों ही टीमों का। साइलेंट सिचुएशन है पर और रॉबिन फिर एक्शन में था। दर्शक देखो कितना वो लेते, अगर वहां की वीडियो देखें योगी भाई के पास उनके वीडियो है तो कितना मजा लेते, वो ताली वाली बजाते थे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे। पर ये कोंदू में अलग रिवाज है, खामोश बैठे बिल्कुल जैसे गुंगो की तरह, थोड़ी सी हौसला आशा है बिल्कुल मिलेगा इस बार बोनस। बोनस दस ग्यारह मात्र एक पॉइंट से पीछे है लखावटी की टीम और अब दो से पीछे हो गई, बारवा पॉइंट ले गई फतेहपुर की टीम और 10 रह गए लखावटी के। आयुष 8 नंबर खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, एक पॉइंट ले लिया, 11-12 अब हो गया है, बराबर की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया तरीका अपनाया था टोटच करने का लेफ्ट कॉर्नर पर। बात ही प्रदर्शन दोनों ही टीमों का, मध्यांतर का समय करीब है, करीब एक मिनट के आसपास का समय शेष है और रॉबिन एक और फिर एक्शन में, एक पॉइंट की लीड फतेहपुर। रॉबिन देखते हैं अभी तक तो इन्होंने लगभग 98% पॉइंट लाए हैं। बोनस मिला समान मिलेगा क्या, भरोसा है भाई, बोनस मिला समान पॉइंट है और डबल बेनिफिट है ये। बोनस आ दूं एक पॉइंट है, हेलो सुनिए वो नहीं है ये बोनस, दिल्ली वाले सुनो फतेहपुर वालों, बेहतरीन पकड़ा कमेटी ने अभी अनाउंस किया है कि अगर जो रॉबिन की कैच करेगा उसको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। रॉबिन की कैच अगर होती है तो 1,000 रुपए
क्या बात है भाई, इनाम बढ़ता हुआ भाई। ये जिम्मेदारी रॉबिन को दी थी और लास्ट मिनट चलती हुई है मध्यांतर की। बहुत ही बढ़िया भाई, अपने प्रदर्शन से रॉबिन कभी समझौता नहीं करता, इसी तरह यहाँ पर नहीं हो पाई। मध्यांतर होता हुआ, दर्शक और पहले हम किसी स्कोर की बात करें और स्कोर 14-12 दो पॉइंट की लीड हो चली है 14-12 फेवर ऑफ। अभी रॉबिन की गेंद पर और राशि बढ़ेगी, 2,000 रुपए तक जाएगी बोली, दर्शक की तरह बोली लगेगी। लो भाई, अब लखावटी की टीम के पास 2 पॉइंटों की बढ़त हो गई। मुल्क की आन बान और शान मत बेचो। स्कोर 12-14 फेवर ऑफ लखावटी। बिल्कुल, दर्शक फुल एंजॉय लेते हुए इस मुकाबले का। 1,00,000 की बर्बाद अभी आ जाओ। मुल्क की आन बान और शान मत बेचो, धर्म के नाम पर गीता और कुरान मत बेचो। तुम्हें कसम है तिरंगे के 3 रंगों की, अपनी खुशियों के लिए ये हिंदुस्तान मत बेचो। के एस टीम भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सेमीफाइनल में सफर जरूर समाप्त हुआ है, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 11,000 की लड़ाई है, क्या बराबरी पर जाएंगे या खेलेंगे, कौन दो वंचावली में होता हुआ ये टूर्नामेंट भाई, सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ। बिल्कुल, दर्शक फुल एंजॉय लेते हुए इस मुकाबले का। बहुत ही बढ़िया भाई, ये स्पोर्ट्समैन योगी जी जो यूट्यूबर हैं। अरे मैच कराइए, मैच कौन सा मैच कराइए। चलो भाई दोबारा आता हूँ, चलते हैं गेम की तरफ भाई। रोबन की कैच पर हमारे इंस्पेक्टर साहब और हमारे सचिव प्रधान जी 1,000 रुपए की घोषणा कर रखी है, अभी तक प्रो लीग की बोली और आगे तक जाएगी। गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हो दोस्तों, अगर बात करें फिर शांत एक्शन में है। 14-12 स्कोर, 2 पॉइंट की लीड अभी भी लखावटी के पास। बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त गेम चलता हुआ, क्या एक और एम्प्टी नेट देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आयुष 8 नंबर खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी, अगर बात की जाए तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक, लेफ्ट राइटर है, युवा खिलाड़ी भाई, अभी उम्र बहुत कम है लेकिन नाम बहुत कमा लिया इस खिलाड़ी ने। लखावटी कबड्डी अकेडमी बुलंदशहर में लगातार दोनों टीमें शेर की तरह खेल रही है, दोनों टीमें बहुत अच्छी खेल रही है, कोई तोड़ नहीं साहब दोनों टीमों का। फतेहपुर की टीम, ये चलते रहो, बारह नंबर खिलाड़ी फतेहपुर, दूसरे हाफ में अभी तक कोई स्कोर नहीं हुआ है, वही 14-12 है, यानी 2 पॉइंटों की लीड लखावटी की है अभी। रॉबिन एक बार फिर एक्शन में है। भाई 1,000 रुपए भी है अगर इसकी पकड़ होती है तो, बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक। 10 नंबर जची में यहाँ पर एंकल होल्ड करने की कोशिश की, 1 पॉइंट और, 1 पॉइंट मिलेगा भाई, सिर्फ 1 से 7 करना पड़ेगा और लीड अब 3 की हो गई, इनका स्कोर 15 हो गया लखावटी का, और डू एंड डाइरेड है ये, डू एंड डाइरेड, लेकिन ये गलतियां और पॉइंट ले जाने में सारे पड़ेंगे। 3 की लीड अब 2 में बदल गई, 13-15। धीरे धीरे लगातार बेहतरीन प्रदर्शन होता रहा है फतेहपुर की टीम, 13 पॉइंट बनाने में सफल रही है और लगातार दोनों टीमें 15 पॉइंट है लखावटी के, लखावटी की टीम उत्तर दिशा में है। रॉबिन भूतकड़ी एक बार फिर एक्शन में है, जबरदस्त प्रदर्शन, और रुपए भाई 1,000 लगा है। भाई
गौरव सामने लीड 2 पॉइंट की बरकरार। लो भाई दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और काउंटिंग हो रही है और बिल्कुल ओरिजिनल काउंटिंग हो रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना आशंका रखें दिमाग में। बोनस ऑन है, लगातार टीम का बेहतरीन डिफेंस लेकिन थोड़ा सा ही करता हुआ और ये पॉइंट मिला लखावटी को। लखावटी का स्कोर हुआ 16 जबकि 13 पर है फतेहपुर की टीम। 16-13 स्कोर, करीब 10 मिनट के आसपास समय से इस मुकाबले में। बहुत बढ़िया प्रयास है भाई और मैच की समाप्ति के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 ही मिनट लगाएं भाई, इससे ज्यादा नहीं। एक और बेहतरीन जबरदस्त प्रदर्शन लगातार, एक बोनस का प्रयास करते हैं और ये 17वां पॉइंट था जो अभी अभी लखावटी को मिला। दो एंडाइरेड है, दो डायरेक्ट थर्ड रेड है। पॉइंट रेडर के पक्ष में पॉइंट मिला है, चलिए फैसला होगा, फैसला होगा। 14-17 इसको, ये 14वां पॉइंट मिला है अभी। आयुष फिर एक्शन में है, आयुष बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन जवाब नहीं भाई। फतेहपुर की टीम का भी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते रही है, चाहे बात करें गाजियाबाद की टीम को काटा था क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में काटा था। रनिंग हेड टच किया इन्होंने, गाजियाबाद की टीम को ले लिया। इस तरह से लखावटी की टीम पहुंची 18 पर जबकि 14 पर है फतेहपुर की टीम दक्षिण दिशा में, सॉरी क्वार्टर फाइनल में। गाजीपुर से मैच हुआ था, उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो गाजियाबाद से मैच हुआ था। टाइम आउट लिया है फतेहपुर को, एक अंतिम मैच फतेहपुर की टीम ने टाइम आउट लिया शांति से और आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए 30 सेकंड का समय इन्हें मिला। बिल्कुल भाई दर्शक, बड़ी खामोशी से मुकाबला देखते हुए और पूरी टीम भाई था। यानी 3 पॉइंट ज्यादा है मुकाबले 15-18 स्कोर है फेवर इन लखावटी। बेहतरीन और जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ भाई। बोनस का प्रयास जरूर है, बिल्कुल भाई जब से 1000 रुपए लगे हैं पकड़ नहीं हुई अभी तक। तो भाई ये रेड बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, फिर शांत एक बार फिर और अब अगली चुनौती फतेहपुर की तरफ से। फतेहपुर की टीम अगर चाहे तो अपनी कठिन तपस्या करके सूरज को पूर्व पश्चिम से उदय कर सकती है कोंदू में। हालांकि कोंदू में इतिहास रहा है कि हमेशा सूरज पूर्व से निकलता है पर आज पश्चिम से निकल सकता है। आयुष 8 नंबर खिलाड़ी भाई, बेहतरीन खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है, जबरदस्त बेहतरीन प्रदर्शन किया अभी तक। फतेहपुर की टीम वापसी करने में माहिर है और वापसी कर सकती है और बिल्कुल करके दिखाई अभी तक। ये क्या हो रहा है भाई, इसी के साथ फतेहपुर को एक और पॉइंट मिला, एक और पॉइंट और इस पॉइंट के सब स्कोर बढ़कर हुआ 16 फतेहपुर और 18 है लखावटी के पहले से ही। 16-18 स्कोर, लीड बची है 2 पॉइंट की। 8 नंबर निक्कर है भाई इस खिलाड़ी का। फाइनल है अगला तो 10 मिनट का इसमें गैप दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल होगा, ये टीम जीतेगी। एक और पॉइंट आगे तो 17-18 करीब आ गई बिल्कुल।
वापसी करके माहिर और बिल्कुल वापसी करके दिखाई है। एक पॉइंट की लीड बची है, अब एक समय 3 पॉइंट की लीड थी। बहुत बढ़िया प्रयास किया यहाँ पर भैया, 1000 रुपए अठारह स्कोर इस खिलाड़ी ने 1000 रुपए की बाजी मार लिया भाई, बेहतरीन प्रदर्शन और स्कोर भी बराबर। अच्छा अच्छा भाई, 1000 रुपए की घोषणा हुई थी। बिल्कुल मिलेंगे 1000 रुपए, हाँ बिल्कुल घोषणा हो चुकी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, उसी के साथ 1900 पॉइंट बना लिया और अब आगे निकल गए। मैं पहले ही कहा था कि कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे इस मैच में, कभी ये आगे कभी वे आगे, आखिर में ऊंट किस करवट बैठेगा। बोनस का प्रयास है ये रही, और इसी के साथ स्कोर फिर बराबर हुआ है क्या, एक ही पॉइंट दिया है और इसी के साथ 19-19 बराबर हो गए। कमजोर दिल वाले छाती को दबा के देखें इस मैच को, बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त गेम भाई। और टाइम आउट लिया है आजाद, टाइम आउट लखावटी की तरफ से शायद लिया गया है इस बार, और इसको अभी भी दोनों का समकक्ष एक दूसरे के 19-19 में। बिल्कुल भाई, दर्शक फुल एंजॉय लेते हुए इस मुकाबले का, ये कोदू के दर्शक बड़े शांत हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये हौसला अफजाई करने के लिए वेस्ट इंडीज आए हैं। हेलो भैया, आप ऐसे ग्राउंड में ना जाए, आपसे अनुरोध है। नहीं नहीं नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों टीमें बढ़िया खेल रही है, सब बच्चे अभी नहीं, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता है। आखिरी 5 मिनट बचे हैं भाई मैच की समाप्ति में, लास्ट 5 मिनट्स, स्कोर सेम, स्कोर 19-4 दोनों के, 19-19 स्कोर बराबर है भाई, बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त गेम है दोनों ही टीमों की तरफ से। आकाश ने दोनों बाजुओं को होल्ड कर लिया, बेहतरीन प्रदर्शन भाई, जबरदस्त गेम। 25-26 लास्ट फोर मिनट टू गो, आखिरी 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट शेष है, एक पॉइंट की लीड अभी और स्कोर है 20-19। डिफेंस बेहतरीन काम करता हुआ फतेहपुर का, बिल्कुल यहां से बराबरी, फिर स्कोर, टाइम आउट लिया है इस बार, अब मामला फतेहपुर ने 20-20 भाई, फुल एंजॉय लेते हुए इस मुकाबले का, अब मामला पहुंच गया 20-20 में। हमारे उस्ताद को एक बार हारते हैं तो कैस भाटी के बराबर में पहुंचाएंगे। बिल्कुल दर्शक भाई, फुल एंजॉय लेते हुए जी भाई, फतेहपुर के दोनों टाइम आउट समाप्त हो चुके हैं, हारने के बाद दोनों में से कोई सी भी टीम अगर हारती है तो केएस भाटी के बराबर में पहुंच जाएगी, और अगर जीतते हैं तो मेवाड़ आर्मी के बराबर में पहुंच जाएंगे। गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ, प्रशांत एक्शन में 4 मिनट के आसपास समय, चार मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, स्कोर बिल्कुल बराबर है और ये डू ऑर डाई रेड है, ये बेहतरीन, वेरी गुड, स्कोर एक बार फिर बराबर हुआ है, 1 पॉइंट मिला है, बोनस मिला था लेकिन पकड़ मिली, लखावटी को स्कोर फिर बराबर। बेहतरीन और जबरदस्त मुकाबला,
दोनों एंकलों पर गए पीछे से और सपोर्ट मिलता हुआ तोड़ ढूंढना शुरू कर दिया प्रशांत और आकाश का 22-21 स्कोर है अब 21-21 बराबर था ऐसे ही मैंने पहले ही कहा था मैच के शुरू से पहले इक्कीस शैली ऐसी है दोनों टीमों की और फाइनल भी ऐसा ही होगा ऐसी बात नहीं है घमासान वाला होगा फाइनल पर उसके लिए 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा मैच की समाप्ति के बाद क्योंकि जो टीम जीतेगी दूसरे सेमीफाइनल में उसे हर किसी रेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी लास्ट 2 मिनट का समय शेष 25 और मैच की समाप्ति में लास्ट 2 मिनट 2 मिनट बची है 21-22 22-22 बराबर स्कोर और 22-22 बराबर अब देखना पड़ेगा इस मैच का फैसला हाई कोर्ट में होता है या बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है यानी इसी हाफ में हो जाता है या अतिरिक्त समय लेना पड़ता है मामला अभी सस्पेंस में है कुछ भी हो सकता है और यहां पर रेड बिना किसी नतीजे के खाली जाती है बाईस बाईस बराबर है अभी रेडर के पक्ष में अगर पॉइंट जाता है एक पॉइंट और यहां पर पॉइंट ले जाने में 23 लखाई ने अपनी वरीयता दर्ज कर लिया एक अक्की बढ़त लास्ट एक मिनट का समय शेष और एक मिनट शेष है और दो अढ़ाई दो पॉइंट की लीड हो चली है और स्कोर हुआ 20 सेकंड टाइम आउट के साथ और ये मुकाबला होता हुआ यहाँ पर समाप्त फाइनल में पहुंचा है और अपनी हार को स्वीकार बेहतरीन मुकाबला जबरदस्त मुकाबला सेकंड टीम किसी को नहीं आना अपना थैंक यू धन्यवाद किसी को जाना नहीं है बिना मिले प्राइज इनाम मिलेगा उस खिलाड़ी को भी यहीं पर रहना है भाई जो इनाम रखा गया था वो 1,000 रुपए इनाम था रॉबिन की पकड़ मार बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो ये कुणाल है भाई सबसे बड़ी तरफ से बेटा क्या नाम है धन्यवाद दोस्तों कुणाल फतेहपुर 1,000 रुपए का इनाम भाई धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें धन्यवाद दोस्तों